नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 75 खबर यूपी कवर। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ हैं अंजलि। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज आत्मनिर्भर बनी महिलाओं से करेंगे बात। आजीविका मिशन के तहत खातों में ट्रांसफर होगा फंड। सीएम योगी ने बागपत के महिला जिला अस्पताल के पास बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। प्लांट को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। किसानों के बीच जाकर माहौल सुधारेंगे यूपी बीजेपी के सांसद। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लिया गया फैसला। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की फिर से फिसली जुबान। अखिलेश को बताया औरंगजेब तो ममता बनर्जी को बताया लंकिनी। मऊ में सड़क की बदहाली के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक विजय राजभर की गाड़ी पर फेंका धान। सड़क पर पौधे रोपकर जताया विरोध। बीएसपी के मिशन 2022 के लिए अमेठी पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा। ब्राह्मण समाज के लोगों और पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। प्राइवेट ठेका सिस्टम बंद करने की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन मांग नहीं मानने पर आत्मदाह की धमकी दी। हड़ताल पर गए अब तक 711 कर्मचारी बर्खास्त। उन्नाव के बीएसए अधिकारी का खेल आया सामने। नियमों को ताक पर रखकर 74 लाख का ठेका किया था जारी। सीडीओ की जांच में पाए गए दोषी। कानपुर पुलिस ने फैक्ट्री की आड़ में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का किया भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। शामली में एनकाउंटर का खौफ। हाथ उठाकर कोतवाली पहुंचे 6 गैंगस्टर। सरेंडर के बाद कहा अपराध से करते हैं तौबा। यूपी में कोरोना के 60 मामले आए सामने 24 घंटे में। महामारी से 3 लोगों की मौत। सूबे में 787 एक्टिव केस सभी मौजूद। मथुरा जिला अस्पताल में मरीज को देखने आए रिश्तेदारों और परिजनों के बीच मारपीट। सर्जिकल वार्ड में जमकर चले लात घूंसे। लखनऊ में जीआरपी पुलिस ने पेश की मिसाल। मानव श्रृंखला बनाकर 8 नेत्रहीन यात्रियों को ट्रेन में बिठाया। बाराबंकी के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए हादसे मामले में एआरटीओ ने कराया केस दर्ज। बस ट्रक ड्राइवर समेत टोल कर्मियों पर भी मामला दर्ज हुआ। हादसे में 18 यात्रियों की हुई थी मौत। औरैया में ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को केबिन काट कर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को कानपुर रेफर किया गया। मुरादाबाद में एक युवती ने 40 फीट ऊंचे ओवरब्रिज से लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेमी के दोस्तों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। मुरादाबाद में अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मामले में 8 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस बरामद। श्रावस्ती में बाढ़ का कहर जारी। राप्ती नदी में कटान के कारण सैकड़ों बीघा जमीन पानी में डूबी। फसल बह जाने से किसानों की परेशानियां बढ़ी। हमीरपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कें झील में तब्दील हुई। कई मोहल्ले जलमग्न। जालौन में भी लोगों के लिए बारिश बनी आफत। कई इलाकों में जलभराव। गलियां पानी में डूबी। लखीमपुर खीरी में देखते ही देखते नदी के कटान में समाया पक्का मकान। अब तक 40 घरों को शारदा नदी निगल चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। कटान की वजह से कई घाट पानी में समाये। नाविकों और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। लगातार पानी बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में खौफ। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आगरा में यमुना और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन निगरानी कर रहा है। पहाड़ पर हो रही बारिश के कारण कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। बाढ़ के खतरे से लोगों में दहशत। मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर। मूसलाधार आसमानी आफत से मुगलापुर पुलिस स्टेशन की दीवार गिरी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने खेल साक्षरता प्रसार वाहन को किया रवाना। खेलों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास। कावड़ यात्रा रद्द होने से दुकानदारों में मायूसी। अयोध्या में कारोबारियों को नुकसान। सहारनपुर पुलिस ने मर्डर मामले का किया पर्दाफाश। पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करने पर शौकत की हत्या हुई थी। 3 आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर के प्रधान और पूर्व प्रधान पर हुए हमले के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पुलिस पर नामजद अभियुक्तों को संरक्षण देने का आरोप। शाहजहांपुर में राष्ट्रीय महिला शक्ति दल के 7 डीएम ने की बदसलूकी। धक्के मारकर ऑफिस से निकालने का आरोप। हाथरस में पैसे के लेन देन के मामले में 2 पक्षों के बीच मारपीट। सड़क पर चले लाठी डंडे। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। भदोही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार।
कासगंज हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, सौतेले बेटों ने गोली मारकर की थी पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। बुलंदशहर में निसार हत्याकांड का खुलासा, महज 20 रुपए के लिए कैंटीन संचालक की गोली मारकर की गई थी हत्या, 21 जुलाई को है की है वारदात। सोनभद्र के रहने वाले शख्स ने सेल्फी के बहाने पत्नी को झरने में धकेला, हत्या के मामले में पति समेत दो गिरफ्तार, पत्नी को घुमाने छत्तीसगढ़ ले गया था शातिर। आजमगढ़ के फूलपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद एक लुटेरा गिरफ्तार, दो शातिर फरार। नोएडा में वाहन चोरी करने वाले गैंग के तीन शातिर गिरफ्तार, 3 होंडा सिटी, 1 स्कॉर्पियो, 8 मोटरसाइकिल, 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद। बदायूं के दातागंज में 20 साल की युवती की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऑनर किलिंग का है मामला। कुल्लू में दूसरों को बचाते हुए खुद सैलाब के साथ बह गई गाजियाबाद की विनीता चौधरी, 25 साल की मिसिंग बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं। पीलीभीत के होटल में की गई हत्या मामले की गुत्थी को सुलझाया गया, पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया, प्रेमिका के बार बार पैसे मांगने से परेशान। रामपुर में टोटी चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, मस्जिद में चोरी करने वाले लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। मिर्जापुर की चुनार पुलिस ने हत्या के आरोपी को झारखंड से किया गिरफ्तार, 4 साल से फरार चल रहा था, 5,000 का इनाम। अत्यधिक भूगर्भ जल दोहन की वजह से डार्क जोन में आया अलीगढ़ नगर निगम, कई इलाकों में जलस्तर 80 फुट के नीचे गया। बरेली में दो अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इलाज के नाम पर वसूली का आरोप। आगरा में ऑनलाइन पढ़ाई के खिलाफ पैदल मार्च, स्कूल संचालकों ने स्कूल खोले जाने की मांग की। कर्ज नहीं चुका पाने पर इटावा के युवक ने नहर में लगाई छलांग, घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर मिला शव। प्रतापगढ़ में हत्या के दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बहन के प्रेमी को फंदे से लटकाकर मारने का आरोप। बहराइच में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार, दरगाह शरीफ इलाके की घटना। फिरोजाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान अवैध असलहा के साथ दो गिरफ्तार, चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद। हापुड़ में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामला। हापुड़ में दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा, शिकायत दर्ज कराने गए पीड़ित को पिहानी थाने की पुलिस ने भगाया। उत्तराखंड के युवक का सहारनपुर में हुआ शुद्धिकरण, राजस्थान में जबरन मुस्लिम बनाने का। झांसी में दबंगों ने ग्रामीणों के साथ की मारपीट, फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से वार, घटना में 4 लोग घायल। बाराबंकी में पशु तस्करों ने पुलिस के खौफ से ब्रिज के ऊपर से लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने मारी टक्कर, कई लोग जख्मी, वीडियो सीसीटीवी में कैद।